प्यारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। बच्चों, कोई एक ऐसी जगह जहाँ ढेर सारे तरीके के झूले हों और थोड़े से कैसे खिलौने, थोड़े से बड़े, जैसे ये बड़ा खिलौना है ना, ढेर सारे, देखिए ये छोटा, इस तरीके के कुछ खिलौने हों जहाँ से आप खरीद सकें, आपके साथ जो आपके माता पिता जाते हैं वो आपको दिखाएं, जादू दिखाएं वहाँ पर, और क्या दिखाएं वहाँ पर, आपको खाने की खूब ढेर सारी तरीके की चटकारी, रसीली, मीठी, इन तरीके की चीज़ें हों, उस जगह को क्या कहते हैं? वो है आपका बहुत पसंद का मेला। तो चलो बच्चों, आज ना हम अपने मेला पाठ की कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि मेले के अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर चार खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। लाए जाकर चार खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर चार खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाथ। बच्चों, अभी आपने मेला कविता पढ़ी और आपने जाना कि मेले में क्या क्या होता है। एक बात बताइए, अगर आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते? मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? एक बात बताइए, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है, आपको पता है? आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। बच्चों, अभी आपने कविता पढ़ी तो कविता में देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर उनके बारे में लिखिए कि मेला कहाँ लगा था और बच्चों ने मेले में क्या क्या खाया और साथ में बच्चों ने मेले में क्या क्या खरीदा। बच्चों, अभी आपने कविता पढ़ी और आपने देखा कि कई सारे तुकबंदी वाले शब्द उस कविता के अंदर आए, जैसे कि मेला ठेला। ऐसे ही और शब्दों की जोड़ी बनाइए और लिखिए, और साथ में जो कविता में कुछ शब्द आए हैं जैसे कि ठेला ठाट, इन शब्दों को खोजकर घेरा लगाइए। बच्चों, इस अभ्यास में कुछ चित्र दिए गए हैं तो उन चित्रों के नाम बताइए और अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए, जैसे कि एक ठेला, जलेबी। बच्चों, इस अभ्यास में कुछ अक्षर दिए गए हैं तो आप उनके कुछ शब्द बनाइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए, जैसे कि शेर
र शेर, रे ला मे रा, ऐसे अनेक इसमें शब्द हैं जो आप बना सकते हो और उनको पढ़कर सुना सकते हो। बच्चों एक अभ्यास और है चित्रकारी। मान लीजिए कि आप ही इस मेले में गए हैं, आप वहाँ क्या क्या करेंगे? अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए, चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखिए। बच्चों हम एक अभ्यास और करते हैं, अब हम कुछ नया बनाते हैं। तो त्योहारों पे आपने देखा है घर को सजाने के लिए तोरण से सजाते हैं, तो ये तोरण मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ। ऐसे ही आप ये तोरण अपने आप भी बना सकते हो। और वो कैसे बनाओगे? जैसे कुछ फूलों से, पत्तियों से, ऊन से, मोती से और अलग अलग तरह की आकृतियों से। जैसे देखो ये कुछ अलग अलग तरीके की आकृतियाँ हैं। तो आप अपने मित्रों को ऐसे कुछ बनाकर दिखाना और अपने घर को बहुत सुंदर सा सजाना। तो जब मैं अगली बार आऊँगी ना, आपको नया पाठ पढ़ाऊँगी और एक नई चीज़ बनानी सिखाऊँगी।